अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हो सकता है कि एक घंटे बाद ही ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वाली जानकारी पूरे देश में आपके माध्यम से पहुंचेगी जाए। उनके अनुयायियों तक तो पहुंच चुकी है जानकारी, उनको पता है कि गुरुजी का यहाँ पर चातुर्मास है। आप सभी को भी लाना है, उसमें 5000 मंत्रों का उच्चारण होगा और कोई 12 क्विंटल से ज्यादा कंकु का सहस्त्रार्चन गुरु पूर्णिमा वाले दिन है। 25 लाख सहस्त्रार्चन है और उसमें भी जो मंत्रोच्चारण होगा उसके बाद में जो कंकु है और प्रसादी है वो हमको घर पर वापस साथ में ले जाने के लिए भी सौभाग्य मिलेगा। आप सभी साधन आमंत्रित और आपके माध्यम से ये पूरी जानकारी पूरे प्रदेश में और देश में जाए। उनके अनुयायी एक में जिसमें जो आस्था मंच कहलाता है गुरु जी का, वो गोविंदा के नाम से पांडाल रहेगा और एक यज्ञ महामंडपम रहेगा, वो एक अलग पांडाल है। दोनों वाटरप्रूफ पांडाल है। 20,000 फीट का तो गोविंदा मंच है और उसके बाद में यज्ञ महामंडपम जो बनेगा, ये जो नाम है उनके जो गुरु जी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एक में अनुष्ठान चलेगा जिसमें 108 ब्राह्मण पूरे देश से आ रहे हैं जो अनुष्ठान करेंगे और वो अलग अनुष्ठान चलता रहेगा, उसमें अलग अलग VIPs के लिए। मैं बगैर किसी भूमिका के श्रीमंत राजमाता साहब से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की सारी विस्तृत आपको जानकारी दे, कोई प्रश्न हो आपके संशय हो तो उन सबका समाधान करें और पूरे कार्यक्रम में सब लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को अभी हमने एक कार्ड दिया है, आप सभी के हाथ में होगा। महाराज जी का चातुर्मास अनुष्ठान है, 17 तारीख को वो 5 बजे देवास आएंगे, उसके बाद वो स्वयं संकल्प लेंगे चातुर्मास का, जिसके बारे में अभी दुर्गेश भैया ने भी बोला और मैं आपको भी डिटेल में अवगत कराने जा रही हूँ। मुझे अब आखिरी 2-3 दिन बचे हैं इसलिए मुझे उसमें लगना पड़ रहा था, आप लोगों से यहाँ मिल रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत ही बड़े संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी ने, कभी मिठाई से होगा तो कभी अलग अलग चीजों से, तुलसी चढ़ाकर होगा, कभी बेलपत्र से होगा, तो एक अलग अलग रोज के दिन के सहस्त्रार्चन हो गया, उसमें आम पब्लिक इनवाइटेड है, जितनी भी आएगी सबकी व्यवस्था होगी। पांडाल कितना बड़ा बना चाहते हैं और देवास में करना चाहते हैं और मुझे जिम्मेदारी मिल रही है, ये मेरा परम सौभाग्य है। ये केवल मेरे परिवार का नहीं है, पूरा देवास राज परिवार का की जिम्मेदारी है, उसमें केवल मैं, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी बेटी नहीं आते हैं। देवास राज परिवार में यहाँ बैठे हुए सभी हमारे सम्मान्य सदस्य यहाँ जो उपस्थित है वो भी आते हैं, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो कार्ड आपको दिया है और ई कार्ड भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, आप अपने परिजनों को, मित्रों को, इष्टजनों को, सभी को ये कार्ड पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये केवल मेरा अकेले का आयोजन नहीं है, आप सब लोग इसके होस्ट हैं, पूरे देवास को ये कार्यक्रम मिला है। आप सभी लोग सबको बुलाएं, इसमें हिस्सा लें, इसका आनंद उठाएं, यही आग्रह आप लोगों से करने के लिए हमको आपको सबको बुलाया है। तरह से रहेगी, प्रशासन को हमने सूचित कर दिया है, क्योंकि महाराज श्री इतने बड़े संत होने के कारण बड़े VIP गेस्ट भी बहुत सारे आएंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन भी आएंगे, प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर साहब को, SP को, ट्रैफिक को, सबको सूचना दे दी है, उन लोगों की बैठक भी हो गई है और उन्होंने उनकी व्यवस्था भी बना ली है कि VIPs आएंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, भीड़ जिन दिनों में त्योहारों के दिन बढ़ेगी उसकी पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था हमने की है। बिल्कुल नहीं मिली, ये तो मेरा, मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि महाराज ने मेरे को फोन लगा के बोला मैं देवास में चातुर्मास करना चाहता हूँ, माँ चामुंडा को याद किया, शक्ति ली और हाँ बोल दिया मैंने तो, और माँ चामुंडा की ही देन है कि पूरी टीम ने जिस तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर इसको पूरा संपन्न किया है, क्योंकि मैं मानती हूँ शादी भी होती है इसी स्केल पे हम करते हैं, 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, 3-4 दिन हम थक जाते हैं, ये हमें 60 दिन तक करना है। आप लोगों के सहयोग के बिना, और ये यहाँ बैठी हुई पूरी टीम है और इनके अलावा भी बहुत बड़ी टीम है जो अभी फील्ड में काम कर रही है, इन लोगों के सहयोग के बिना एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो ये सभी का एकजुट होकर सहयोग ही होगा जो देवास में इतनी बड़ी
अनुष्ठान होगा, देवास की हवा में इतने सारे मंत्रोच्चार का की ध्वनि होगी, तो ये देवास को लाभ ही देगा। पूरी व्यवस्था कर रखी है। बारिश ही एक चैलेंज है बस। किनकी हेल्थ के लिए? वो ऊपर वाली माता जी पूरी व्यवस्था देगी। जी 17 जुलाई से हमारे संत श्री रविदास जी महाराज, जो रविशंकर जी महाराज, जो रावतपुरा सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, वो हमारे देवास में चातुर्मास का अनुष्ठान का संकल्प लेने आ रहे हैं। 60 दिन के लिए, 2 महीने के लिए पूर्णतः वो देवास में रहेंगे। पूजा पाठ, सहस्रार्चन, यज्ञ, कथाएं दिन भर चलेंगी, भजन कीर्तन मंत्रोच्चार से पूरे 60 दिन देवास को लाभ मिलने वाला है। आप सभी से आग्रह है, सब परिवार आकर इस धार्मिक आयोजन का लाभ लें। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है या किसी एक उद्देश्य से करा हुआ कार्यक्रम नहीं है, ये जनता को लाभ देने के लिए देवास की धरती पर एक सुंदर और बहुत ही भव्य अनुष्ठान हो सके, हमारे धार्मिक आयोजन हो सके, इस उपलक्ष में हम लोग कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं या मैंने क्या मांगा, ये तो भगवान की कृपा हुई, रावतपुरा सरकार जी महाराज की कृपा हुई, जो उन्होंने तय किया कि उन्हें देवास में ये अनुष्ठान करना है और उसका सौभाग्य मुझे मिला। कितनी तारीख से ये अनुष्ठान चालू? 17 जुलाई से चालू होगा, 17 सितंबर तक रहेगा और 17 जुलाई को चालू होने के बाद कंटिन्यूएशन में ये चलता रहेगा। ये आम पब्लिक के लिए खुला है, कोई भी परिवार सहित आकर, कोई भी धार्मिक आस्था रखने वाला व्यक्ति देवास में रहता हो या देवास से बाहर रहता हो, सादर आमंत्रित है कि आएं और इसका पुण्य लाभ लें। इतना बड़ा अनुष्ठान 60 दिन का, पहली बार देवास शहर में रहे। मैं जैसा पहले बोल चुकी हूँ कि मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिला करने का, और ये मौका मांग कर नहीं लिया, ये मौका भगवान की कृपा से मुझे मिला है, तो इसे पूरा कर सकूं, यही माँ चामुंडा से निवेदन है। क्या कुछ रूप देखा इसमें, राजे चल रही है और किस तरह से अनुष्ठान पूरा संपन्न हो रहा है? और सुबह 1.5 घंटे का सहस्रार्चन पूजा पाठ होगी महाराज जी की, शाम को फिर 1.5 घंटे की होगी, बीच में दोपहर को कथा होगी। ये गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा उत्सव होगा 21 तारीख को। गुरु पूर्णिमा के 21 तारीख के उत्सव के बाद 22 तारीख से कंटिन्यूएशन में 60 दिन तक कथाएं चलेगी। पहली राम कथा है, फिर शिव पुराण है, नर्मदा पुराण है, भागवत कथा है, देवी पुराण है, तो कंटिन्यूएशन में 60 दिन तक कथाएं चलेंगी विदाउट ब्रेक। तो एक ये भी लोगों को के लिए उपलब्ध होगा कि कथाओं का श्रवण कर सकें। उसके बाद रात को जब धार्मिक कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे 8-9 बजे तक, तो फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 1.5 घंटे का रहेगा। तो आप मान के चलिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा कंटिन्यूएशन में, और सभी लोग आमंत्रित हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम राज्य किस तरह की व्यवस्था है पूरी की गई है को देखकर आप लोग पब्लिक की भीड़ भी रहेगी? इस तरह का आयोजन में व्यवस्थाएं बहुत भव्य तरीके से की गई हैं, और ये एक बहुत बड़ी टीम है जो पूरे मेरे परिवार की टीम है, जिसको मैं अपना पूरा एक्सटेंडेड परिवार मानती हूँ, सब लोगों ने मिलकर की है। कुछ लोग तो यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं, बाकी के लोग अभी पैलेस पे उस काम को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो इन सब को मिलाकर, और देवास के मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा परिवार है देवास परिवार, हर वार्ड में हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोगों तक ये आमंत्रण पहुँचाएंगे, वो लोगों का की भीड़ को भी मैनेज करेंगे और व्यवस्थाएं भी देखेंगे। इतने बड़े पंडाल में कार्यक्रम हो रहा था, क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब 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 है, सब सिक्योरिटी भी, व्यवस्थाएं भी सब रहेगी।